आखिर 350 साल बाद ज्ञानवापी मस्जिद में मिला कुछ ऐसा जिसे देखकर सब दंग रह गए। मस्जिद के कुएं को देखकर सबके होश उड़ गए। आखिर उस कुएं में ऐसा क्या था? मस्जिद में कैसे आए सनातन धर्म के अवशेष? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर यह तो ऐसी जगह है जो लगातार काफी दिनों से हम सब को सुनने में आ रही है, जिन पर लगातार कई दिनों से विवाद चल रहा है। आप सभी ने काशी का नाम तो जरूर सुना होगा, और अगर काशी का नाम आए और हम काशी विश्वनाथ मंदिर की बात न करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। 12 ज्योतिर्लिंग में से भोले बाबा का सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ है। यह मंदिर काफी प्राचीन है व लाखों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र भी। लेकिन ठीक इसी मंदिर से सटी हुई ज्ञानवापी मस्जिद, बताया जाता है कि यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। एक बार औरंगजेब बनारस के पास से गुजर रहे थे। सभी हिंदू दरबारी अपने परिवार के साथ गंगा स्नान और भोलेनाथ के दर्शन के लिए काशी आए। मंदिर में दर्शन कर जब लोगों का समूह लौटा तो पता चला कि कक्ष की रानी गायब है। अंदर बाहर पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण में तलाश की गई, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। सघन तलाशी की गई तो वहां एक तहखाने का पता चला। मंदिर के नीचे की गुप्त जगह के बारे में लोगों को जानकारी हुई। आमतौर पर वह मंदिर देखने से 2 मंजिला दिखाई देता था। तहखाने में जाने वाला रास्ता बंद मिला तो उसे तोड़ दिया गया। वहां बिना आभूषण के रानी दिखाई दी। पता चला कि यहां महंत अमीर और आभूषण पहने श्रद्धालुओं को मंदिर दिखाने के नाम तहखाने में ले आते हैं और उनसे आभूषण लूट लेते हैं। उनके बाद उनके जीवन का क्या होता है पता नहीं। हालांकि इस मामले में सघन तलाशी अभियान फौरन चलाया गया और रानी को ढूंढ लिया गया। वैसे ज्ञानवापी का इतिहास 11वीं सदी से शुरू हुआ। कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, जिसके बाद से लगातार हिंदू शासक इस मंदिर की देखभाल और सौंदर्यीकरण करवाते रहे हैं। हालांकि मंदिर के निर्माण के समय के बारे में एकमत नहीं है। कहीं कहीं ये जिक्र भी मिलता है कि इसका निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था, जो बाद में कई बार मुगल आक्रांताओं के हमले का शिकार होता और बनता बिगड़ता रहा। हालांकि औरंगजेब के मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवाने की बात कई बार कही जाती है। इस मामले को गंभीर रूप से देखा गया तो ज्ञानवापी मस्जिद में छानबीन हुई, जिसके बाद वहां सनातन धर्म से जुड़े कई प्रमाण मिले। मस्जिद में कुएं में साक्षात भोले बाबा मिले। दरअसल कुएं में से बहुत ही प्राचीन शिवलिंग मिला, जो कि काफी बड़ा और चौड़ा है। यह शिवलिंग कुएं के पानी की गहराई में था। साथ ही वहां बहुत सी प्राचीन आकृतियां भी मिली, जिसको देखकर यह साफ लगता है कि यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर बनाई गई है। पर कहते हैं ना कि सच को जितना भी छुपा लो वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। सबसे बड़ा और अहम सबूत यह है कि मस्जिद की एक दीवार काशी विश्वनाथ मंदिर की ही दीवार है, जिसको देख यह बताया गया कि जब इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की गई तब वे असफल रहे। ना ही उनसे वह दीवार टूटी और ना ही वह शिवलिंग को नष्ट कर पाए, जिसका जीता जागता सबूत काशी विश्वनाथ मंदिर और उनसे जुड़े यह अवशेष हैं। क्योंकि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ऐसी जानकारी भरी व रहस्यमय वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें, और महादेव के सभी भक्त इस घटना के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।